मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अनुपस्थित रहने और निर्माण कार्य समय से पूरा न करने पर CNDS के 19 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्ट देने का और निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर आवास विकास परिषद के अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त ने सफाई के जाँच के लिए मंडलीय अधिकारियों की वार्ड वार टीम बनाकर जाँच कराने के जिलाधिकारी को भी जनपद स्तरीय अधिकारियों से सफाई व्यवस्था की जांच कराने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने डॉक्टरों की उपस्थिति तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता आदि के बारे में गहन समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दस्तक अभियान के दूसरे चरण के लिए भी सभी तैयारी समय से पूर्ण करने को कहा है। उन्होंने ATC सेंटरों एवं पीकू की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया है कि सभी मिनी पीकू 20 जून तक पूर्ण करा लें। मंडलायुक्त के मंडलों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने आशाओं के भुगतान आदि के बारे में भी समीक्षा की। मंडलायुक्त ने PMGSY के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरी स्वच्छ भारत मिशन आदि के बारे में गहन समीक्षा की। बैठक में IG नीलाब्जा चौधरी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडियन, SSP शलभ माथुर, देवरिया के DM सुजीत कुमार, CDO गोरखपुर अनुज सिंह सहित सभी जिलों के DM, SP सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि जो आप जिला अस्पताल का टाइम आज से दो है, तो जनरली जो पुलिस हमारे पास केस को लेके आती है वो एग्जैक्ट 10 बजे तो डेली रात में आ ही नहीं पाएगी। इसीलिए हमें जिला अस्पताल में पहले उसका एक्सरे होगा। एक्सरे केवल है ना महिलाओं के लिए होते हैं, अन्य एक्सरे भी होते हैं जिला अस्पताल के, तो उनका अभिमत रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा उसी दिन दिया जाना संभव नहीं है। उसमें समय लगेगा, मान लो 50 या 60 एक्सरे होते हैं तो रेडियोलॉजी आपके क्रिमिनल केसेस के बारे में मेडिकल लीगल केसेस तो होते नहीं सारे। एक्चुअली जो मेडिकल लीगल केसेस होते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने केसेस होंगे आपके दिन में? 2-3 उसका अभिमत अगर आप देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे बात।